सवाल है, दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका आरएफ 1:12,50,00,000, मानक अक्षांश 40 डिग्री तथा 60 डिग्री, प्रक्षेपांतर 10 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर एवं देशांतरीय विस्तार 40 डिग्री पश्चिम से 40 डिग्री पूर्व हो। इसको हल करेंगे और सब कुछ बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे ही रहने देंगे तो हमारा आर निकलेगा। आर का सूत्र है आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63,50,00,000। इसे डिवाइड करेंगे 12,50,00,000 से। तो हमारा आर निकल जाएगा, जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 5.08 सेंटीमीटर। आर निकल गया 5.08 सेंटीमीटर। देखिए, दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें मानक अक्षांश हमारे दो दिए होंगे, एक तो यहाँ पर है 40 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का। अगर एक मानक अक्षांश दिया है तो वो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप शंकु प्रक्षेप होता है। चलिए बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 5.08 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे और इस पर लंब डालकर इसको इस पर चाप लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद प्रक्षेपांतर यानी कि जो अंतराल है इसको हम बना लेंगे, यह है 10 डिग्री का। इसके बाद 40 डिग्री और 60 डिग्री का जो मानक अक्षांश है इसके कोण बना लेंगे। तो यह हो गया 40 डिग्री का और यह हमने बना लिया 60 डिग्री का। अब क्या करना है कि ये जो 10 डिग्री का प्रक्षेपांतर दिया है या अंतराल दिया है इसको प्रकार में लेंगे और एक चाप लगा लेंगे। ये जो रेखा है सीधी इसी के समानांतर ये जो 40 डिग्री को टच करता हुआ चाप लगा है इसके बराबर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद ये जो 60 डिग्री को टच करता हुआ चाप खींचा गया है इसको भी समानांतर रेखा की तरह इस तरह से मिला लेंगे। तो एक डायग्राम तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा डायग्राम, एक कोई भी सीधी रेखा खींचेंगे और 40 डिग्री पर ये जो रेखा है इसको यहां पर बना लेंगे बिल्कुल इसके बराबर। अब देखिए करना ये है कि ये जो 60 डिग्री का है और ये जो 40 डिग्री का है इसको प्रकार में लेंगे इस तरह से और यहां पर रखकर एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ये जो उसके ऊपर 40 के ऊपर जो 60 वाला जो रेखा बनी है इसको यहां पर बना लेंगे। जाहिर सी बात है ये बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी जैसा कि यहां पर बना हुआ है। उसके बाद स्केल रखेंगे इस तरह से और इसको मिलाते हुए ऊपर खींच ले जाएंगे जब तक इसको टच ना कर ले। तो ये हमारा दूसरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब शंकु प्रक्षेप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर तो ये हमारा 40 शो कर रहा है और ये 60 डिग्री शो कर रहा है। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये जो दूरी है यहां से 60 वाली इसको यहां पर रखकर एक चाप लगा लेंगे। ये हमारा 60 शो करेगा 60 डिग्री और एक और बड़ा करेंगे 40 पर ले जाएंगे और यहां से एक और चाप लगा लेंगे तो ये हमारा 40 डिग्री शो करेगा। अब देखिए ये हमारे मानक अक्षांश तो दोनों बन गए 60 डिग्री और 40 डिग्री। उसके बाद यहां पर प्रक्षेपांतर है 10-10 डिग्री का और बोल रहा है अक्षांशीय विस्तार है 20 डिग्री से। हमने 40 तो बना लिया है यानी कि हमें 30 और 20 और बनाना है। तो प्रक्षेपांतर जो अंतराल है इसको यहां पर प्रकार से लेंगे
और यहां पर एक 40 पर रखकर एक निशान लगा लेंगे, ये हमारा 30 शो करेगा, और फिर उसके बाद और आगे भी निशान लगा लेंगे तो हमारा यहां पर ये 20 शो करेगा। 20 से 70 जाना है तो 20, 30, 40, बीच में एक 50 बनेगा, तो वही दूरी होगी। और जब हम इसको निशान लगा लेंगे तो ये अपने आप उतने ही बराबर में ये 60 वाला कट जाएगा, और उसी के बराबर, इसी के बराबर ये दूरी वही रहेगी, और एक और 60 के बाद एक और निशान लगा लेंगे तो ये हमारा 70 शो करेगा। जब इतना हो जाएगा तो प्रकार हम ऊपर रखेंगे और इनको सभी को चाप द्वारा मिला लेंगे। इस तरह से उसके बाद ये जो 40 वाला है, ये जो दूरी है, इसको प्रकार में लेंगे और 40 वाले पर हमें इस तरह से बांटना होगा। कितना बांटना है? बोल रहा है देशांतरी विस्तार है 40 डिग्री से, 40 डिग्री पश्चिम से 40 डिग्री पूर्व, यानी कि 10-10 का अंतराल है, तो ये तो हमारा जीरो है। तो यहां पर 40 पर हम बांटेंगे, दूरी लेंगे ये वाली प्रकार में, और 40 पर बांटेंगे, एक निशान लगाएंगे तो ये 10 होगा, आगे इस पर रख के फिर आगे निशान लगा लेंगे तो ये 20 होगा, फिर 30 और ये 40। इसी तरह इधर भी 10, 20, 30, 40। इसके बाद ये जो 60 वाला, जो छोटा वाला है, इसको लेंगे प्रकार में और 60 वाले पर बिल्कुल इसी तरह से बांटेंगे जैसे इसको बांटा है, दूरी बस ये वाली होगी। तो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को एक साथ एक सीध में मिला लेना है। इस तरह से सबको मिला लेने के बाद देखिए अक्षांशी विस्तार लिखा है 20 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर, तो इसको लिखेंगे 20, 30, 40, 50, 60 और 70। देशांतरी विस्तार है 40 डिग्री पश्चिम से 40 डिग्री पूर्व, तो जीरो हो गया, 10, 20, 30, 40 और इधर आएंगे 10, 20, 30, 40। ये हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट होगा, नॉर्थ यहां पर होगा। उसके बाद करना ये है कि जो मानक अक्षांश है, दो मानक अक्षांश, एक तो 60 वाला एक 40 वाला, इनको और डार्क कर देना है और इनके ऊपर लिख लेना है मानक अक्षांश, मानक अक्षांश। कई बार इन लाइनों को मिलाने में समस्या आती है, उसके लिए मार्केट में फ्रेंच कर्व आते हैं जिससे आसानी से मिलाया जा सकता है। इसके बाद ठीक इसके ऊपर आरएफ लिख देंगे, आरएफ